जैसे महिलाओं का 9 मंथ लगता है, नॉर्मल डिलीवरी तो वो चाहती हैं, अब उनको ये तो पता ही होता है बच्चा जब तक हेड डाउन पोजीशन में नहीं आ जाता है, यानी कि अपना सर नीचे की तरफ नहीं कर लेता है प्राइवेट पार्ट के रास्ते की तरफ, तब तक नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। अब वो जानना चाहती है कि उनके बच्चे ने अभी तक सर नीचे किया है या नहीं। तो आज मैं वही कुछ सिम्टम आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कॉमेंट्स में जरूर शेयर करें कि 9वें महीने में जो अल्ट्रासाउंड होता है वो आपने कराया या नहीं अभी तक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, मैं हूँ रेशु आप सभी के साथ। सबसे पहला लक्षण होता है बच्चे का सर नीचे करने का, वो होता है आपका पेट का शेप। पेट का शेप बिल्कुल पूरे तरीके से चेंज हो जाएगा। पहले आप देख रहे थे कि आपका पेट का जो ऊपरी हिस्सा है वो एकदम भारी रहता है, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, आपको सीने में ज़्यादा जलन होती है। लेकिन अब क्या होगा कि अब जो आपका पेट का ऊपरी हिस्सा है वो एकदम से ऐसे लगेगा नीचे की तरफ कुछ खिसक गया है, पेट का ऊपरी हिस्सा एकदम से खाली हो जाएगा और जो बेबी है वो एकदम से नीचे की तरफ चला जाएगा, फुटबॉल की तरह गोल सा नज़र आने लगेगा आपका पेट। मतलब आप पहले से देखोगे कि पहले तो मेरा पेट बड़ा था, अब छोटा क्यों हो गया है। तो ये एक अच्छा संकेत होता है, इसका मतलब होता है कि बच्चे ने हेड डाउन अपना कर लिया है, यानी कि सर नीचे कर लिया है, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी की सही पोजीशन में बच्चा आ गया है। सेकेंड चीज़ है, अब जब बच्चा हेड डाउन करता है तो आपके पेट के निचले हिस्से में और कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तीसरा लक्षण होता है मूवमेंट्स में कमी आ जाती है, यानी कि बच्चे की हलचल अब आपको कम महसूस होगी क्योंकि बच्चे का सर नीचे है, आपकी योनि के रास्ते में फिक्स हो रहा है। तो बच्चा अब गोल गोल तो घूमेगा नहीं, अब जो बच्चा मूवमेंट करेगा वो केवल पैरों की ही करेगा, तो पैरों की जोरदार किक्स आपको फील होंगी। लेकिन जैसे बच्चा पहले गोल गोल घूमा करता था, बहुत ज़्यादा हिला डुला करता था, वैसा अब नहीं होगा, मूवमेंट्स में मतलब कमी हो जाएगी। इसीलिए डॉक्टर आपको इस टाइम बोलती है कि आपको बच्चे के मूवमेंट्स को काउंट करना चाहिए, हर 2 घंटे में बच्चे की मूवमेंट्स आपको फील जरूर होनी चाहिए। तो टाइम टू टाइम अपने बच्चे की मूवमेंट्स को आप काउंट करते रहें, ध्यान दें। अगर लग रहा है कि 2 घंटे तक बच्चे ने बिल्कुल मूवमेंट नहीं की है तो तुरंत डॉक्टर के पास भागते हुए जाइए। 5वां सिम्टम है, बार बार आपको यूरिन आना शुरू हो जाए क्योंकि बच्चा नीचे प्रेशर बना रहा है, बच्चे का सर ही मेन हैवी होता है और जब बच्चे का सर नीचे आता है तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है यूरिनरी ब्लैडर पर, जिस वजह से थोड़ा सा भी यूरिन जब इकट्ठा होता है ना उसमें तो आपको प्रेशर बनने लग जाता है और आप बार बार यूरिन पास करने जाते हो। लेकिन यूरिन को रोकने की गलती ना करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको भूख बढ़ जाएगी। जैसे ही बच्चा अपनी नॉर्मल डिलीवरी की पोजिशन में आएगा भूख ज़्यादा लगने लग जाएगी, आपको सीने में जलन की दिक्कत नहीं होगी, सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी, अपच एसिडिटी की दिक्कत भी अब आपकी सॉल्व हो जाएगी, यानी कि ख़त्म हो जाएगी। तो ये कुछ लक्षण हैं जो बिना अल्ट्रासाउंड के बता देते हैं कि बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है। आपको इसमें से कौन सा लक्षण महसूस हो रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सो सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो, ये वीडियो पसंद आए सो लाइक जरूर कीजिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।